बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं सऊदी अरब और दुबई के रिलेटेड न्यूज़ से न्यू अपडेट लेके आने की कोशिश करता रहता हूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जनाब आला, आज जो हम बात करने वाले हैं दुबई विज़िट वीज़े के रिलेटेड। अगर आप लोग दुबई आना चाहते हो, आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, तो आपको यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको एयरपोर्ट में किस किस या कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपसे इमिग्रेशन वाले वाले कौन सा सवाल करेंगे उस पर हम शॉर्टली बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आपको जो बताया जा रहा है कि आपसे सबसे पहले होटल का सवाल किया जाता है, उसके बाद दिगर काफ़ी सवालात आपको बताए जाते हैं कि फलां फलां सवाल आपसे किया जाएगा, अगर आप वहाँ से क्लियर नहीं हो तो आपका आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे किसी भी तरह की इमिग्रेशन की अगर बात की जाए तो किसी भी तरह का आपसे कोई भी सवाल नहीं होगा, सिवाय इसके कि अगर आपके जेब में थोड़े से, आप ये कह सकते हो कि 500 से लेकर 1000 दरम तक अगर है तो इससे भी अगर कम है तो भी चल सकता है, लेकिन अगर इतना है वो तो खैर डिपेंड करता है आपकी वीज़ा कितने, मतलब के 30 दिन का है या फिर 3 मंथ का। लेकिन अगर नॉर्मली अगर बात की जाए तो आपके पास कम भी है, 500-1000 तक भी है, तो आपके लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़ा सा पैसा उन्हें दिखाना होता है कि मैं विज़िट पे जा रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा मौजूद है, बाकी किसी भी तरह की आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।